हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूजा और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी बच्चे को निडर कैसे बनाया जाए। सो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी के टाइम में जो सिचुएशन हो गई है उसमें बच्चे को स्ट्रांग और फेयरलेस बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। सोसाइटी में क्रिमिनल कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ऐसे कंडीशन में हमें अपने बच्चे को निडर बनाना चाहिए ताकि कोई ऐसा कंडीशन आए, कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें बच्चे बिना डरे अपने लिए स्टैंड ले सके और अपने मन की बात खुल के आपको भी बता सके। सो आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी बच्चे को निडर और साहसी कैसे बनाया जाए। नंबर वन, पेरेंट्स खुद बने निडर। कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो खुद छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डर जाते हैं और घबराने लगते हैं, और ऐसे कंडीशन में आप चाहते हैं कि आपका बच्चा निडर और साहसी बने, तो यह कैसे पॉसिबल है? पहले आपको खुद साहसी बनना होगा और आपको देख के बच्चे खुद निडर और साहसी बन जाएंगे। आपके सामने कोई भी कंडीशन आए, आप घबराइए नहीं, बहुत शांति से उसे अच्छे से हैंडल करने की कोशिश करिए। बच्चे आपको देख के वही चीज़ सीखेंगे। अगर उनके सामने भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो भी रिलैक्स होके मन को शांत करके उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इसलिए पेरेंट्स को निडर और साहसी बनने की ज़रूरत है और बच्चों में भी यही गुण आएगा और ऐसे ही बच्चे बहादुर बनेंगे। सेकेंड, बच्चों की छोटी छोटी बातों पे डांटे नहीं। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों की छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी गलतियों पे उसे टोकते हैं, डांटते हैं और कई पेरेंट्स उसे मारते भी हैं। बार बार टोकने और डांटने से बच्चों के अंदर उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होने लगता है और बच्चे कोई भी काम करने से पहले डरने लगेंगे कि अगर वो उनसे कोई गलती हो गई तो उन्हें फिर से पिटाई लगेगी या उन्हें डांटा जाएगा। इसलिए आपको अपने बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पे डांटना नहीं चाहिए। आप पहले उसे प्यार से समझा सकते हैं। अगर गलती बहुत ज़्यादा हो रही है तब आप थोड़ा डांट सकते हैं ताकि वो दोबारा वो गलती ना करे और आपकी बातों को गंभीरता से ले। क्योंकि अगर आप बच्चे को बार बार डांट रहे हैं, पीट रहे हैं, तो वो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से ढूंढ नहीं पाएंगे। थर्ड, बच्चों को आउटडोर गेम खेलने के लिए ज़रूर बोले। अभी के टाइम में बच्चे आउटडोर गेम खेलना नहीं चाहते हैं। वो घर में ही फ़ोन पे गेम्स और टीवी पे इंटरेस्टिंग कार्टून देख के ही अपना मनोरंजन करते हैं, लेकिन बच्चों को आउटडोर गेम खेलना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे घर से बाहर जाके आउटडोर गेम खेलेंगे तो वो एक ग्रुपिंग बनाएंगे जिसमें बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, बच्चों के अच्छे हैबिट्स को वो सीखने की कोशिश करेंगे। कई बार अगर ग्रुपिंग में खेला जाए तो बच्चे एक ग्रेट लीडर भी बन सकते हैं। अगर बच्चे घर में एक कोने में बैठ के कोई गेम्स देख रहे हैं या गेम्स खेल रहे हैं तो वो अकेले खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें अगर निडर बनाना चाहते हैं, साहसी बनाना चाहते हैं, तो दूसरे बच्चों के साथ उनको इंटरेक्ट कराने की कोशिश करिए। कई बार बच्चे घर में बहुत बोलते हैं लेकिन अगर उन्हें कोई पार्टी फंक्शन में लेके जाइए तो वो किसी के साथ बोल नहीं पाते हैं, इवन हाय हेलो भी नहीं कर पाते। तो वहाँ पे बच्चों को अगर आप निडर बनाना चाहते हैं, साहसी बनाना चाहते हैं, तो बच्चे को घर से बाहर लेके जाइए, दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए बोलिए। इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बच्चे मिलनसार होंगे और बच्चे को डिसीजन लेने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। फोर्थ, सुनाइए मोटिवेशनल स्टोरी। बच्चे स्टोरी सुनना बहुत पसंद करते हैं। अगर आप अपने बच्चे को स्टोरी नहीं सुनाते हैं तो आप रात के टाइम में बच्चे को स्टोरी ज़रूर सुनाइए। जनरल लोग स्टोरी में या तो एनिमल स्टोरी, परी की कहानी, राजा रानी की कहानी सुनाते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका बच्चा निडर और साहसी बने तो आप अपने बच्चे को मोटिवेशनल स्टोरी सुना सकते हैं। वैसी कहानी, वीर राजाओं की कहानी, फ्रीडम फाइटर की स्टोरी आप सुना सकते हैं, क्योंकि बच्चे जैसी कहानियाँ सुनेंगे बच्चे भी वैसा ही बनने की कोशिश करेंगे, और वो भी लाइफ में कुछ बड़ा कर दिखाने की उनकी चाह होगी, लाइफ में कुछ डिफरेंट करने की वो कोशिश करेंगे। फिफ्थ, डरना नहीं लड़ना सिखाइए। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने बच्चे को फाइटिंग करना सिखाइए। डर का मेरा कहना का मतलब है कि डर को हराने का बताइए, डर से लड़ने की ज़रूरत है, तभी बच्चे निडर बन सकेंगे। इसके लिए एज अ पेरेंट्स हमें सबसे पहले ये पता करना है कि हमारा बच्चा डरता किस चीज से है। बहुत बच्चे नए पर्सन को देख के डरने लगते हैं, बहुत बच्चे अंधेरे से डरते हैं, बहुत बच्चे ऊंचाई से डरते हैं, हर बच्चे अलग अलग चीजों से डरते हैं। तो हमें पहले ये पता करना है कि बच्चे हमारा डरता किस से है और फिर उसे पॉजिटिव मोटिवेशन देना है ताकि उनके मन से वो डर खत्म हो जाए और बच्चा निडर और साहसी बन सके। बस हमें कोशिश ये करनी है कि बच्चा अगर हमें बता रहा है कि उसे किस चीज़ से डर लग रही, तो हमें उसका
उसका मजाक नहीं उड़ाना है, उसको सपोर्ट करना है, उसको मोटिवेट करना है कि आप अपने डर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप मजाक उड़ाएंगे तो बाकी लोग भी मजाक उड़ाने लगेंगे, इसलिए अगर बच्चा जो भी चीज़ से डर रहा है आपको उसका मोटिवेट करने की ज़रूरत है। प्रजना जब छोटी थी वो फैन जब मूव करता था तो उससे डरने लगती थी, तो हमने उसे पॉजिटिव मोटिवेशन दिया और फिर 1 वीक के अंदर ही वो नॉर्मल हो गई, उसे फिर डर ख़त्म हो गया। तो इस टाइप के मोटिवेशन आप भी अपने बच्चों के साथ अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में सिंपली मैं यही बताना चाहूंगी कि अगर आप अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं पहले आपको खुद उस सांचे में ढलने की जरूरत है। ये मेरा राय है कि किसी बच्चे को निडर कैसे बनाया जाए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं बच्चे को निडर और साहसी बनाने के लिए। सो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।